फिल्म के शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अचानक रेगिस्तान में आकर गिरता है। वो आदमी जानता ही नहीं कि वह यहां पर कैसे आया और उसके मुंह के अंदर बहुत सारी रेत घुस गई है और वो आदमी बहुत ही डर जाता है। वो आदमी बहुत खून से पैदल चल रहा था। वह चलते चलते एक छोटी लहर के पास आकर रुकता है क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वो पानी पीने जाता है लेकिन तभी वो अचानक से रेगिस्तान में पहुंच जाता है और फिर से उसके मुंह के अंदर रेत घुस जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी बार जब वो पानी पीने के लिए फिर से वहां पर जाता है तो वो फिर से रेगिस्तान में पहुंच चुका था। वो समझ जाता है कि जब कभी भी वो पानी पिएगा तभी वो रेगिस्तान में पहुंच जाएगा और उसके मुंह के अंदर पानी की जगह रेत होगी। वो वहां से उठता है और उसी पानी की तरफ जाने लगता है लेकिन वो वहां पर पानी नहीं पीता। वो थोड़ा सा आगे चलकर रास्ते में आकर रुकता है और किसी से लिफ्ट मांगता है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और फिर वो गाड़ी के अंदर बैठता है। तभी वो दूसरा आदमी उसे पानी की बोतल देता है पीने के लिए। वो सोच रहा था पानी के बोतल में पीने से कुछ भी नहीं होगा और वह जैसे ही पीता है तभी फिर से रेगिस्तान में पहुंच जाता है। अब वो उठता है और फिर से उस रास्ते में जाता है और उसी गाड़ी में जाकर बैठता है। अब वो गुस्से में कुछ भी नहीं बोलता और उसे चुपचाप गाड़ी चलाने को कहता है। तभी वो दूसरा आदमी पानी का बोतल फिर से देता है और इस बार वो पीने से मना कर देता है। उसके बाद वो अपने घर में आ जाता है और थक हार के सोफे में लेट जाता है। तभी उसे पानी के नल में पानी के बूंद की आवाज सुनाई देती है। फिर वो गिलास में पानी भरकर थोड़ा सा बर्फ डालकर पीने के लिए तैयार कर लेता है लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ था तो इसलिए वो बूंद बूंद पानी जीभ पर टच करके चेक करता है। अब उसे कुछ भी नहीं हो रहा था इसलिए वो सारा पानी पी जाता है और बहुत ही खुश होता है। उसके बाद वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और बहुत ही इंजॉय कर रहा था लेकिन ये खुशी उसे ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो फिर से रेगिस्तान के अंदर से निकलता है। ये सब कुछ देखकर वो अब रोने लगा था। अब वो एक रोड के साइड में बैठा हुआ होता है और अपने आप को कोस रहा होता है और वो सोचता है एक आदमी ने उससे पानी पीने के लिए मांगा था लेकिन वो उस आदमी को पानी नहीं देता इसलिए आज उसकी हालत ऐसी है। और तभी हमें एक औरत रोड के साइड से जाती हुई दिखती है। वो आदमी उस औरत के पास से पानी मांगता है लेकिन वो औरत नहीं देती जिसकी वजह से वो अचानक गायब होकर रेगिस्तान में पहुंच जाती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं।